उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर और देहरादून जिले के कैंट विधानसभा से विधायक बीजेपी विधायक हरबंस कपूर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। हरबंस कपूर का सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। हरबंस कपूर पिछले 8 बार से लगातार विधायक चुने गए थे। हरबंस कपूर के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख प्रकट किया। हरबंस कपूर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए इंदिरानगर उनके आवास से बीजेपी प्रदेश कार्यालय बलबीर रोड में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। इसके बाद लखीबाग शमशान घाट में हरबंस कपूर का अंतिम संस्कार किया गया। हरबंस कपूर के बारे में कहा जाता है कि वह उत्तराखंड के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें हर व्यक्ति की समस्या में खड़े हुए देखा गया है। हरबंस कपूर भाजपा के बेहद सहज और शालीन नेता थे, उनकी जनता में अच्छी पकड़ थी। हरबंस कपूर के निधन पर बीजेपी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरबंस कपूर के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि हरबंस कपूर 8 बार से लगातार विधायक का चुनाव जीत रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मन बहुत दुखी है, जिन्होंने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, संपूर्ण जीवन जिन्होंने हमेशा समाज के लिए राष्ट्र के लिए काम किया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे वो एक तरह से मार्गदर्शक भी थे और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज उनका हमारे बीच से जाना हमारी पूरे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आज बहुत दुखी मन से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को, सभी कार्यकर्ताओं को इस असीम दुख को जो कि अचानक आया है इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारे बीच में से उनका निधन हुआ है। हरबंस कपूर जी ने हमेशा से राजनीति में जनता के बीच में एक बड़ा स्थान बनाया है। हर चुनाव के बाद उनका वो स्थान में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और उन्होंने उस क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज किया है। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में अनेक दायित्वों का और संगठन के अनेक दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित। हरबंस कपूर के निधन पर कांग्रेस पार्टी में भी शोक की लहर है। बता दें कि हरबंस कपूर पिछले 8 बार से लगातार विधायक का चुनाव जीत रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने हरबंस कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रीतम सिंह ने हरबंस कपूर के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा उत्तराखंड देशी नेता को खोया है जिसकी निकट भविष्य में भरपाई हो पाना बड़ा असंभव है। कपूर साहब जी 8 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मैं कह सकता हूँ कि इतने टाउन टू वर्थ थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पास गया किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं किया और इसके सम्मान देने का जो काम वो करते थे ऐसी मिसाल अन्य जगह मिलना। बीजेपी विधायक हरबंस कपूर के आकस्मिक निधन से दुखी होकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दिलाराम चौक पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरबंस कपूर लगातार 8 बार से विधायक चुने जा रहे थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरबंस कपूर उत्तराखंड की राजनीति की बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने लगातार 8 बार का चुनाव जीतकर जनता का प्यार पाया। उनका इस तरह जाना उत्तराखंड की राजनीति जगत में बड़ा नुकसान है। आपको बता दें कि इस दुखद खबर के बाद कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि हरबंस कपूर साहब जो कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय सदस्य भी थे और पूर्व में
इस प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, वो अचानक हमारे बीच से गुजर गए। ये सूचना बहुत ही दुखद थी और हमने तत्काल उस प्रस्तावित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए वहाँ पर उपस्थित कांग्रेसजनों के साथ ही एक श्रद्धांजलि वहाँ पर अर्पित की। उन्होंने हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में सेवा काम का लोकप्रिय नेता थे और आज उनका निधन का समाचार हमें मिला बहुत आघात है। पूरे देहरादून से पूरे उत्तराखंड में एक वरिष्ठ राजनेता को खोया है। ऐसे अनुभवी नेता हमारे बीच नहीं रहे, हम सब लोग आज दुखी। हरबंश कपूर जी उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक कार्यकाल वाले विधायक थे, सबसे सौम्य और विद्वान व्यक्ति, और उन्होंने पहली बार विधायक चुने जाने से लेकर के और अपने जीवन पर्यंत वहां पर चुनाव जीता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर यानी कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऊधम सिंह नगर के काशीपुर दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल काशीपुर में एक जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगे, साथ ही प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि आपके संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर आएंगे। यह अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड में 5वां दौरा होगा। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के लोगों को 3 गारंटी की सौगात दी थी। इस बार उत्तराखंड की महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इस समय उत्तराखंड में 5वां दौरा है और जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत में उत्सुक होती है और जिस तरह से एक पूरा जन सैलाब उनकी रैलियों में और उनकी सभाओं में दिखाई देता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की जो जनता है इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और 2022 का चुनाव उत्तराखंड की जनता के लिए उनके सपनों को फलीभूत करने वाला साबित होगा और उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आएगी और उनके जो सपने हैं जो उन्होंने उस उत्तराखंड को बनाते हुए यहाँ की जनता ने जो सपने देखे थे आम आदमी पार्टी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा कल मंगलवार को काशीपुर आ रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, दोपहर 12:30 पर होटल अनन्या पहुंचेंगे, काशीपुर पहुंच जाएंगे। दोपहर 3 बजे काशीपुर में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक तो उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी समिति के अध्यक्ष सुमित हृदेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी का देहरादून दौरा है, इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। साथ ही रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की बात भी उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये दौरा ऐतिहासिक होगा, साथ ही नैनीताल और ऊधम सिंह नगर से रैली में 30,000 से 35,000 लोग प्रतिभाग करेंगे। इस रैली में भूतपूर्व सैनिक एवं शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। जन सैलाब राहुल जी की रैली में वहाँ पे आएगा और हमने कई सारी रैलियों में हमें जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इस बारी जो उत्साह है आम जनमानस के मध्य, जिस प्रकार से उत्साहित होकर वो कह रहे हैं कि हमें भी जाना है देहरादून, तो ऐसा हमने कमी देखा है। तो ये साफ संकेत है कि इस प्रदेश में एक भव्य कांग्रेस की एक महाजनादेश की सरकार बनने वाली है और राहुल जी की आवाज़, राहुल जी जो इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने पिछले वर्ष मार्च में कहा था कि ऐसी सुनामी दर्द भरी आएगी देशवासियों के लिए कोरोना के मध्य, जिसको सरकार ने तब नहीं सुना, राहुल जी के सारे सुझावों को आज सरकार मान चुकी। कृषि कानून तक उन्होंने बोला था कि ये कृषि कानून वापस होंगे, मार्क माय वर्ड्स, लिख लीजिए आप किसी किताब में, वो कृषि कानून भी वापस हुए। तो राहुल जी की जो आवाज़ है वो पूरे देश और दुनिया में उसका वजन माना जाता है, तो वही हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो दर्द भरी आवाज़ जनता की है वो भी जब विश्व के लोग और देश के लोग सुनेंगे तो उत्तराखंड के भी दर्द को समझ पाएंगे और उत्तराखंड के सहयोग के लिए जो सरकार बनेगी उसमें अपना